सभा के सिट्टी प्रखंड के दो में हूँ दोस्तों, जिस दो में प्रत्येक वर्ष मुहर्रम के उपलक्ष्य में एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम यानी कि मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों सदियों बीत गई है लेकिन अब तक लोगों का रीत और रिवाज नहीं बदला है। मुहर्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पर भोलानी के करबला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है और भिन्न भिन्न गाँव से भिन्न भिन्न तरीके के प्लेयर्स आते हैं, जंगी लोग आते हैं और खेल का मनोरम दृश्य कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को करवाते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो जंगी लोग हैं वो खेल को लोगों को दिखाते हैं और ये भीड़ केवल यही भीड़ नहीं है बल्कि इस इलाके के तमाम लोग इस मेले को देखने के लिए आते हैं। आपको बता दूं प्रोफिट मोहम्मद साहब के जो नवासा है इमाम हसन और हुसैन साहब, उनको करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था 10 मुहर्रम को। उन्हीं के याद में कहीं ना कहीं जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रत्येक वर्ष यहाँ पर जो है मेले का आयोजन करते हैं, उसका शौक मनाते हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कब से मेला लगता है। हम लोग का पुरखों से बाप दादा से लग रहा है, हम लोग का बाप दादा से भी लग रहा है, हमेशा लगता रहा है। कहाँ कहाँ का टीम खेलने आते हैं? यहाँ भी कमलधा, गरैया, बारूदो, बोलानी, समुचा खोरागाई, बर्धा का भी टीम आता है। अच्छा, हम लोग खेलते लगती। अच्छा, आप लोग खेलते हैं? हम लोग खेलते हैं। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? हुसैन का शहीद होने के कारण से उसी जगह हम लोग पढ़ा लिखा नहीं होता, नहीं पढ़ा। खुशी से मनाते हैं या दुख से मनाते हैं? दुख से गम। अच्छा, मुहर्रम जो है यहाँ कब से लगता है? सदियों पुरखों, कितने दादे आदम चले गए, कितने आदमी गुजर गए, हम लोग को मालूम नहीं कब से ये कायम है। अच्छा, ये तो हम लोग जानते हैं। यहाँ पर कहाँ कहाँ के जो जंगी लोग हैं वो आते हैं खेल दिखाने के लिए, करतब को दिखाने के लिए? कमलधा, तकिया, डवाबाड़ी, ये बारूदो, बुलानी, मतलब भिन्न भिन्न तरीके का जो है खेल को दिखाते हैं। भिन्न भिन्न खेल लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? बहुत दूर दूर से खेल देखने के लिए आते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है इस तमाम इलाके के जो है लोग आते हैं, हालांकि यहाँ जो थाना प्रभारी लोग हैं पुलिस की तैनाती भी बहुत ज्यादा है। सर पूरी चौक चौबंद कहीं ना कहीं व्यवस्था है, किसी प्रकार का जो है उपद्रवियों द्वारा कोई भी उपद्रव नहीं मचाया जा सकता, एकदम शांतिपूर्ण हो रहा है। अच्छा, यहाँ का पब्लिक लोग भी बढ़िया है। अच्छा, यहाँ का जो समिति है, वार्ड सदस्य है, सब सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा मेला है, दिखने में अच्छा, आनंद ले रहा है, सब आनंद उठा रहा है। अच्छा, लोगों का कई ख्याल होता है मन में कि मुहर्रम में उपद्रवी लोग उपद्रव करते हैं, आप कितने घंटे से है, क्या आपको लगा कि कुछ ऐसा माहौल लोग बनाना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते? नहीं, ऐसा अभी कोई माहौल नहीं बना चला है, और हम लगभग 2.5 घंटे से अढ़ाई बजे से हम यहाँ है। लगभग जिस समय कोई खेला चालू नहीं हुआ था उस समय से हम यहाँ है, और यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया है, देखने का बस इस सब का आनंद उठा रहे हैं। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी बात मुहर्रम के मेले से आपको कवरेज में लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप मुहर्रम मनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका और हुकूक है। बाकी बात भीड़ है, महिलाएं भी है, नौजवान, बूढ़े, बच्चे, तमाम लोग हैं जो लाठी का खेल को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा वीडियो को देखने के लिए, तो हम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।